हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। सचिवालय सहायक भर्ती 2023 के विज्ञापन जारी हुए हैं, जहां चार अलग अलग विज्ञापन जारी हुए हैं अलग अलग पदों के लिए। सीधी भर्ती रहेगी विधान परिषद सचिवालय में। आयु योग्यता चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो कंप्लीट नोटिफिकेशन में हम सारी चीजें देखेंगे। सैलरी जो है वो 60,000 तक जो है यहाँ पर, और इससे अधिक भी मिलेगी। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सैलरी यहाँ पर मेंशन की गई है। सभी राज्यों से यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दिनांक 25 जुलाई से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, यानी आज से ही आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं और 21 अगस्त तक चलेंगे। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो प्रतिवेदक, सहायक अवधायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय परिचारी, सुरक्षा प्रहरी, चालक और निम्न वर्गीय लिपिक की यहाँ वैकेंसी है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट जॉब है, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। होम पेज पर ही जो है वो आप देख सकते हो आवश्यक सूचना, न्यू ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु। तो चार विज्ञापन जारी हुए हैं, विज्ञापन संख्या 1, विज्ञापन संख्या 2, विज्ञापन संख्या 3 और विज्ञापन संख्या 4। तो ये है विज्ञापन संख्या 1, ठीक है। यहीं पर जो है वो आप लोगों को डिटेल एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी। टू रीड डिटेल एडवर्टीजमेंट क्लिक हेयर, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट कंप्लीट है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है विज्ञापन संख्या 1 को हम देखते हैं। पहले प्रतिवेदक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 25 जुलाई है, अंतिम 21 अगस्त है, तो आपके पास काफी समय है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर क्या मांगी गई है प्रतिवेदक के लिए, तो यहाँ पर जो है स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। हिंदी में आंसू लेखन प्रति 150 शब्द पर मिनट, हिंदी टंकण और अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द पर मिनट, कंप्यूटर पाठ्यक्रम में कोई प्रमाण पत्र मांगा गया है। इसके अलावा आपकी सैलरी जो है वो काफी अच्छी है, 53,100 से लेकर 1,67,800 तक, और अन्य भत्ते जो है वो आप लोगों को यहाँ मिलेंगे ही। आरक्षण का फायदा जो है वो केवल बिहार के कैंडिडेट को ही मिलेगा, अन्य राज्यों के कैंडिडेट जो है उनको जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है। आयु सीमा जो है यहाँ पर न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम जो है वो जनरल कैटेगरी के पुरुष की 37 वर्ष है। इसके अलावा जनरल कैटेगरी की जो महिला है या पिछड़ा वर्ग है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन सबकी जो है वो 40 वर्ष रहने वाली है। उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट विज्ञापन संख्या जो 2 है वह देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो कौन से पदों की जो है वो वैकेंसी आई है। तो इसके लिए भी आप लोग विज्ञापन संख्या 2 में जो भी पद दिया गया है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वह भी आप लोगों को इसी पेज पर मिलेगा। तो ये जो है सहायक और सहायक अवधायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। डेट वही है 25 जुलाई से आवेदन, यानी आज से ही आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता यहां पर सहायक के लिए ग्रेजुएशन मांगी गई है, हिंदी टंकण और अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द पर मिनट मांगे गए हैं, और यहाँ पर कंप्यूटर पाठ्यक्रम में आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। सैलरी जो है वो आपकी 44,900 से 1,42,400 तक मिलेगी। सैलरी की आप बिल्कुल जो है वो बेफिक्र रहे हैं, यहाँ सैलरी जो है गवर्नमेंट जॉब की तरफ से आपको सारी चीजें मिलेंगी, साथ में जितने भी अलाउंस हैं, अन्य भत्ते हैं, सभी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सहायक अवधायक जो है इसके लिए यहाँ पर स्नातक मांगा गया है, कंप्यूटर में डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है, या कंप्यूटर में कोई आपका जो है वो प्रमाण पत्र रहा हो। यहाँ पर सैलरी 25,500 से स्टार्ट होगी और 81,000 तक जो है आपको मिलेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर सैलरी 25,500 से 81,100 तक है, और यहाँ पर इंटरमीडिएट मांगा गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। कंप्यूटर पर 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए, और वांछित योग्यता यहाँ पर कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र मांगा गया है। निम्न वर्गीय लिपिक की जो सैलरी है वो 19,900 से स्टार्ट है, 63,200 तक है, यानी सैलरी की जो है वो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सैलरी जो है वो काफी है यहाँ, क्योंकि अन्य जो भत्ते हैं वो भी आपको यहाँ पर शामिल होंगे, मिलेंगे। राज्य सरकार द्वारा अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा है, हिंदी टंकण अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट, वांछित योग्यता जो है वो कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी जितने भी एडवर्टीजमेंट है सभी में लिखा गया है कि बिहार राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण का फायदा होगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। उम्र सीमा जो है यहाँ पर न्यूनतम सहायक और सहायक अवधायक के लिए 21 रखी गई है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 18 वर्ष रखी गई है, ठीक है, ये तो दोनों अलग अलग है। अधिकतम जो है वह 37 वर्ष है जनरल कैटेगरी के पुरुष की, और बाकी सभी की जो है वो 40 वर्ष रखी गई है। उसके बाद विज्ञापन संख्या जो 3 है वह भी इसी तरीके से हम लोग ओपन कर लेंगे। यहाँ पर सुरक्षा प्रहरी और चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। डेट सभी की जो है वो एक ही है, अंतिम डेट और स्टार्टिंग, आज से ही जो है स्टार्ट हो रहे हैं आवेदन, ऑनलाइन आवेदन होंगे। सुरक्षा प्रहरी के लिए यहाँ पर सैलरी 21,700 से 69,100 तक है, ठीक है, 69,100 तक। इसके अलावा जो है वो अन्य भत्ते आपको मिलने वाले हैं। यहाँ 12th मांगी गई है,
और इसके अलावा सुरक्षा प्रहरी के जो पद है तो इसमें शारीरिक मानदंड पुरुष जो है उसकी हाइट मांगी गई है 167.5 सेंटीमीटर, स्त्री की जो है वो 154.6 सेंटीमीटर। इसके अलावा आप लोग कंप्लीट जो है वो इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे जब आप अप्लाई करते हैं। एनसीसी में सी प्रमाण पत्र या फिर विशिष्ट खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया हो या जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के टूर्नामेंट में प्रतिनिधित्व किया हो तो उनको जो हो यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। साथ में जो है अगर कंप्यूटर पाठ्यक्रम है कोई भी तो वो यहाँ पर आपका लगेगा। चालक के लिए 19,900 से लेकर 63,200 तक आपको मिलेगी। मैट्रिक पास मांगा गया है और यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपका वैलिड होना चाहिए। आरक्षण का फायदा यहाँ पर भी वही है, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा, जो भी बिहार के मूल निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण होगा। तो अन्य राज्य के जो कैंडिडेट हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, बस उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। उम्र सीमा जो है यहाँ पर 18 रखी गई है और अधिकतम सीमा वही है 37 वर्ष है पुरुष के लिए और बाकी महिला और अन्य वर्ग के लिए 40 वर्ष है। ये अंतिम एडवर्टीज है, एडवर्टीज नंबर 4। तो यहाँ पर जो है इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं यहाँ पर किसकी वैकेंसी है। यहाँ पर कार्यालय परिचारी दरबान, कार्यालय परिचारी फरास, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी और कार्यालय परिचारी माली के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन 25 जुलाई से स्टार्ट होंगे, 21 अगस्त तक चलेंगे। यहाँ पर जो है वो महिलाएं जो है इनके लिए आरक्षित पद है जो कि 37 आरक्षण के तहत 35% है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर कार्यालय परिचारी के लिए कहा गया है कि मैट्रिक प्लस हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का जो है ज्ञान और साइकिल चलाने की क्षमता। कार्यालय परिचारी दरबान के लिए भी यही मांगा गया है, फराज के लिए भी यही जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है और सफाई कर्मी के लिए भी यही मांगी गई है। माली के लिए थोड़ा अलग है, मैट्रिक पास या समकक्ष हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान, साइकिल चलाने की क्षमता, साथ में माली के कार्यों में कम से कम 2 वर्षों का जो है वो अनुभव मांगा गया है। सैलरी जो है वो आप देख सकते हो, सभी की सैलरी समान है, 18,000 56,900 तक जो है वो आप लोगों को यहाँ सैलरी मिलेगी और साथ में जो भी अन्य भत्ते हैं वो भी दिए जाएंगे। ठीक है, आरक्षण का फायदा जो है सभी में सारी चीजें समान लिखी गई हैं। उम्र सीमा 18 वर्ष रहेगी यहाँ पर इस विज्ञापन में, विज्ञापन नंबर 4, और अधिकतम आयु जो है यहाँ पर 37 वर्ष पुरुष के लिए और महिला के लिए जो है वो 40 वर्ष और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अब यहाँ पर जो है किस तरीके से परीक्षा की जो पद्धति है, यानी आपकी जो परीक्षा होगी यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए अलग अलग जो है वो साक्षात्कार के माध्यम से होगी, इंटरव्यू होगा आपका। ठीक है, जो भी कार्यालय परिचारी दरवान, फरास, माली और सफाई कर्मी की जो वैकेंसी है यहाँ पर आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। बिहार राज्य के जो SC ST कैटेगरी के तो इनका 150 रुपए लगेगा। बिहार राज्य के स्थायी निवासी जितने भी हैं, आरक्षित हैं, अनारक्षित हैं, महिला हैं, तो उसके लिए 150 रुपए लगेगा और बिहार राज्य के अन्य कोटे के अभ्यर्थी एवं अन्य राज्यों के जो स्टूडेंट है उनके लिए 300 रुपए यहाँ पर शुल्क लगने वाला है। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन आप कैसे करेंगे, डिटेल में जो है वो एडवर्टीजमेंट जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को दे दूंगी। नेक्स्ट जो हमने वैकेंसी देखी थी सुरक्षा प्रहरी और चालक की, तो यहाँ पर जो है आप लोगों की जो है जांच और परीक्षा जो ली जाएगी 2 चरणों में होगी। पहले तो जो है यहाँ पर फिजिकली आप लोगों की जांच होगी और दूसरा जो है वो इंटरव्यू होगा। ठीक है, 50 मार्क्स की जो है यहाँ पर परीक्षा होगी और 50 मार्क्स का जो है यहाँ पर आपका साक्षात्कार होगा। बाकी सारी डिटेल जो है वो नीचे दी हुई है। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेन वेबसाइट पर जाना है, biharvidhanparishad.gov.in। आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, आवश्यक सूचना बिल्कुल ऊपर ही दी गई है जहां पर न्यू ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विज्ञापन संख्या 1, 2, 3 और 4 आपको कौन सा फॉर्म भरना है तो उसी पर आप क्लिक करेंगे और पेज जो है वो आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल एडवर्टीजमेंट पहले आपको पढ़नी है, उसके बाद जो है इमेज अपलोड करनी है और उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो चलिए ये डिटेल चीज जो है वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट बता दी है, बाकी मैं आप लोगों को लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी। थैंक यू।